नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार जागिंद्र मिश्रा चैनल में। 28 अक्टूबर को 90 साल बाद देखेगा शरद पूर्णिमा का चांद, चार राशियों की लगेगी लॉटरी। दोस्तों, पूरे 90 सालों के बाद 28 अक्टूबर दिन शनिवार को दिखेगा शरद पूर्णिमा का चांद, इन चार राशि वालों की लगेगी लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब इन चार राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन चार राशि वालों की इस दिन लॉटरी लगने वाली है। खुद माँ लक्ष्मी अब इन चार राशि वालों के घर पधार रही हैं, जिससे अब इन चार राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और अब इन चार राशि वालों के जीवन में आने वाली है अपार खुशियाँ ही खुशियाँ, जिससे अब इन चार राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वो खुशनसीब और भाग्यशाली चार राशियां कौन कौन सी है जिनकी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये चार राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं माता लक्ष्मी कृपा अधिक से अधिक प्राप्त हो तो कमेंट में लिख दें, माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में, और माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं, बहुत ही खास मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अश्विनी मास की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के निकट होता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, और दोस्तों 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण भी थे, इसलिए इस दिन का खास महत्व है। इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है, साथ ही इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से साल भर तक धन में कभी कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत ही खास योग में बन रही है। इस बार की शरद पूर्णिमा के दिन अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और महालक्ष्मी योग बनने से इस बार की पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार की अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, यानी कि सुबह 4:33 से शुरू हो जाएगी और ये 29 अक्टूबर को सुबह प्रातः 1:50 तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने रासलीला किया था गोपियों के साथ, इसलिए इस दिन का खास महत्व है। दोस्तों, इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन खीर खाने का बहुत ही महत्व है। अगर आप खीर बनाकर पूर्णिमा के दिन आप यानी चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में रख दें बाहर, तो खीर में अमृत की वर्षा होती है और अगले दिन इसे सूर्य उदय से पहले ही इसका सेवन कर ले तो बहुत ही शुभ होता है, रोग दोष से कष्टों से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस बार चूंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए आप खीर ना रखें, क्योंकि चंद्रमा की जो यानी कि जो ग्रहण की अशुभ किरणें हैं वो इस पर प्रभावित होंगी, इसलिए इस बार ये उपाय ना करें। दोस्तों, ग्रहण भी इस दिन लगेगा रात्रि में और ये यानी कि मध्य रात्रि के बीच में लगेगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी बहुत ही अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ योग बनता है। दोस्तों, बता दें कि चंद्रमा को इस दिन रात्रि में अर्घ दें, एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दें, चावल मिला दें, सफ़ेद पुष्प मिलाकर फिर आप जरूर अर्घ दें। दोस्तों, इससे बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभकारी स्थितियां देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसे चंद्रमा उदय हो उसी समय आप यानी कि चंद्रमा को अर्घ दें, रोग दोष कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा इस बार शरद पूर्णिमा की जो चांद है ये काफ़ी लंबा और चमकीला दिखाई देगा और काफ़ी बड़ा दिखाई देगा और काफ़ी चमकीला चांद दिखाई देगा शरद पूर्णिमा का, इसलिए ये खास है। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी कृपा से
कई राशियों पर माँ लक्ष्मी कृपा बन रही है, बरस रही है, जिससे कई राशियों का भाग्य अब सातवीं आसमान पर रहेगा। इन राशियों को मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब इन राशियों के भाग्य उदय होंगे। तो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी इस बार शरद पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो इस लिस्ट में है राशि, वो है दोस्तों बताना चाहेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के अतकों बता दें कि अब आपको शरद पूर्णिमा के दिन भगवान और धनवान होने से मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में आपको जॉब मिलेगी, नौकरी में भी प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कई महत्वपूर्ण खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो भी आपके आपके ऊपर यानी कि विशेष लाभ होगा। दोस्तों बता दें कि इसमें आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी, धन की प्राप्ति होगी माँ लक्ष्मी कृपा से। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जिससे आपके कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। अगली जो राशि आती है दूसरी दोस्तों, जो इस दिन जिसकी लॉटरी लगने वाली है, जो धन से मालामाल होने वाली हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि को बताना चाहेंगे कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन अब आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी, इसलिए धन प्राप्ति में आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। धन संपत्ति में भी लाभ होगा और रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। व्यापार के मामले में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे और कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे, क्योंकि इसमें अब आपकी किस्मत चमकेगी, कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, व्यापार में भी आपको लाभ होगा, नौकरी में और घर परिवार का साथ मिलेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में काफ़ी मजबूती आएगी। लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। इसमें आपके अनसुलझे यानी कि मामले सुलझ जाएंगे और बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, अधिक से अधिक धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, साथ ही विदेश जाने का योग बनेगा और व्यापार अगर किसी पार्टनर के साथ करें तो पारदर्शिता की विश्वास के साथ आगे बढ़िए, विशेष लाभ होगा। अब अगली तीसरी जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि को अब माँ लक्ष्मी की कृपा से शरद पूर्णिमा के दिन आपकी लॉटरी लगने वाली है, धन संपत्ति में तो लाभ होगा ही होगा, साथ ही साथ रुके हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, मित्रजनों का सहयोग, अपनों का सहयोग, भाई बहनों का सहयोग, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, गुप्त रूप से भी धन की प्राप्ति होगी और साथ ही शेयर मार्केट के क्षेत्र में, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में कोई एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो विशेष लाभ होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कोई भी फैसला ले सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, किसी के बहकावे में आकर ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में आकर कोई भी फैसला न ले, वरना नुकसान भी होना पड़ सकता है। साथ ही मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, जो कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, व्यापार के मामले में लाभ होगा, अधिक से अधिक फायदा होगा, तमाम तरह के रुके हुए और पेंडिंग कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे कार्यों में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, जीवन में कई ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब अगली चौथी राशि है जिसकी लॉटरी लगने वाली है, दोस्तों बताना चाहेंगे वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अब बता दें कि अब आपकी लॉटरी लगेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, अधिक से अधिक फायदा होगा, पेंडिंग काम को पूरा तो करेंगे ही करेंगे, कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, साथ ही धन संपत्ति में लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, व्यापार के मामले में भी आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, धन संपत्ति रुका हुआ फंसा हुआ प्राप्त होगा, जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी करेंगे, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जो कार्य अभी तक नहीं हुए वो कार्य बनेंगे, प्रेम जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को भी अच्छे उपहार स्वरूप कुछ भेंट दे सकते हैं, बता दें कि इसमें विरोधियों के खेमे में भी हलचल रहेगी, आपकी कामयाबी को लेकर प्रतिद्वंदी पीछे रहेंगे, माँ लक्ष्मी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, व्यापार में तो आपको फायदा होगा ही होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे और अधूरे कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, धन व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी, तमाम तरह के एग्जाम वगैरह कंपटीशन वगैरह हैं उसी में लाभ होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेगा, खान पीन की चीज़ों में परहेज करें, किसी को उधार कर्जा भी ना दें इस दिन, विशेष रूप से ध्यान रखेगा, आपको करोड़पति और लखपति होने से मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बता दें कि कई वर्षों के बाद 28 अक्टूबर को यानी कि दिखेगा शरद पूर्णिमा का चांद, जो चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा जय मां लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।